इस वक्त हम चिलचिलाती धूप में खड़े हैं बिहार सरकार के मंत्री के आवास के ठीक बाहर, और मेरे पीछे आप बड़े बड़े टैंकर देख रहे होंगे, तो आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या, मैं दिल्ली में हूँ? नहीं साहब, मैं बिहार में हूँ और राजधानी पटना में हूँ, और यहाँ पे हूँ जहाँ पे सरकार चलाने और सरकार बनाने की जिम्मेवारी निभाने वाले विधायक और मंत्रियों का आवास है। ये आवास बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू का आवास है, और देखिए दुर्भाग्य कहें संजोग कहें, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल पटना ये टैंकर है, और देखिए वो मंत्री जी की गाड़ी है। जरा उस नेम प्लेट पर भी चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि इस पर क्या दिलचस्प बात है जो हम दिखाना चाहते हैं। बिहार सरकार के मंत्री का ये आवास है 13/14, और देखिए बिहार सरकार मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ये मंत्री जी का आवास, उनकी गाड़ी, और उनके घर में पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए विभाग के अधिकारी। बिहार सरकार शुद्ध पेयजल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मंत्री जी के आवास में कल रात से ही पानी नहीं है, लिहाजा बाहर से सप्लाई दिया जा रहा है। पानी टैंकर मोटर लगाए जा रहे हैं, फिलहाल पानी की सप्लाई नहीं हुई है। ये तमाम लोग हैं, और ये पहला टैंकर नहीं, इसके पहले भी एक टैंकर लगा हुआ था, और कई टैंकरों से पानी पहुंचाने की जो पूरी कवायद है वो की जा रही है। धूप गर्मी टेम्परेचर इस कदर बिहार में भी है कि सड़क पर निकलने से ज़्यादा लोग घरों में रह के परेशान हैं। यहाँ तो पीने के पानी और नहाने और धोने के लिए पानी के लिए जद्दोजहद है। देखिए ये लोग हैं, ये तमाम लोग, आप यहीं के स्टाफ हैं विभाग के? यहाँ नहीं। हाँ, कहाँ से आए? हम आए हैं ये मोटर सेट करने। मोटर सेट करने, मोटर मैकेनिक है? नहीं। हाँ, लेके आए। अच्छा, ये आपका प्रश्न है, प्राइवेट मोटर है या सरकारी मोटर है? ये तो पता नहीं आपको। अच्छा, पता नहीं, केवल मोटर लेके आप? ये मोटर बांधा जा रहा है, और यहाँ से फिर टैंकर से पानी निकलकर मंत्री जी के आवास में पहुँचाया जाएगा। सर, आप लोग विभाग के अधिकारी हैं? विभाग के ही हैं। किस विभाग से हैं सर? पीएचडी के कार्यपालक अभियंता यांत्रिक हैं। सर, मंत्री जी के आवास में पानी की दिक्कत, बाहर से सप्लाई दी जा रही है, क्या दिक्कत है? ये तो सरकारी आवास है। एक ट्यूबवेल था, उसका मोटर जल गया है, वो किया गया था भवन निर्माण विभाग द्वारा जी। तो वो मोटर जल गया था, हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था करके सर के यहाँ पानी दे रहे हैं। केवल इस पूरे विधायक फ्लैट में केवल इन्हीं के यहाँ की, बाकी किसी के यहाँ? सिर्फ इनके यहाँ, एक मंत्री जी के यहाँ ये दिक्कत हुई है? नहीं, दिक्कत तो पूरे है, सभी जितना आवास है सब में है, सब में पानी की दिक्कत है। उसके लिए नया मोटर भवन के द्वारा लगाया जा रहा है। तो अभी आप लोग तो सर केवल मंत्री जी के यहाँ पानी पहुँचा रहे हैं? नहीं, वहाँ भी हम पानी व्यवस्था किए हैं, बाकी विधायकों के यहाँ अगर किसी के यहाँ पानी है वहाँ भी मोटर लगवाए हैं, मतलब वो सब भी हो रहा है, अलग व्यवस्था हो रहा है। ये मंत्री जी के लिए विशेष व्यवस्था? हाँ, ये सिर्फ अपना एक के लिए है, जिस विभाग के वो मंत्री हैं उस विभाग के तमाम लोग के लिए। वहाँ हम ही कर रहे हैं, अभी टैंकर से पानी दे रहे हैं, वहाँ पर जहाँ मोटर जला है ना, टैंकर से पानी वहाँ पर आपूर्ति कर रहे हैं। सर, दिल्ली में तो तस्वीरें दिखाई पड़ रही थी, पटना में इस तरीके की तस्वीरें दिखे तो थोड़ा सा आश्चर्य होता है। ये चालू हो जाएगा? चालू हो जाएगा। देखिए मोटर है, चलिए मोटर चालू हो रहा है, अधिकारी लगे हैं जी जान से, और मंत्री जी के लिए विशेष तौर पर यह व्यवस्था की गई है। हमारे सहयोगी प्रिंस ने बातचीत भी की, वो वीडियो भी दिखाएंगे। फिलहाल मंत्री जी भी परेशान दिख रहे थे, यहाँ मौजूद हैं, देखते हैं। मंत्री जी भी मौजूद हैं, नीरज कुमार सिंह और नीरज बबलू का ये आवास है, तस्वीर लगी हुई है, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, और मंत्री जी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। खैर, ये मंत्री जी की बात हुई, और विभाग के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सवाल ये है कि क्या पानी की दिक्कत बिहार सरकार के मंत्री के आवास पे या इस सरकारी बंगले में? इस बंगले की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहाँ सिस्टम है, सरकार के लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ पर दिक्कत है। मंत्री जी का आवास है, आनंद फानंद में टैंकर लगा दिए गए हैं पूरे ही विधायक फ्लैट में। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी से कहेंगे तब तमाम फ्लैट को दिखाएं। कमोबेश यही नज़ारा हर जगह दिखाई पड़ रहा, हर घर में। फिलहाल मंत्री जी मीडिया के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हमारे दूसरे सहयोगी प्रिंस ने मंत्री से बातचीत की, वो वीडियो भी हम आपको सुनाएंगे। कुछ अन्य लोगों के घर पर भी चलते हैं और देखते हैं कि मंत्री जी के यहाँ तो पानी पहुँचा दिया गया, बाकी लोगों का क्या कुछ हाल है। और देखिए चिलचिलाती धूप में जो लोग हैं वो यहाँ खड़े हैं। प्रिंस के पास चलते हैं। प्रिंस, मंत्री जी से आपकी बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा?
देखिए, उन्होंने कहा कि कल बैठक हुई थी मुख्यमंत्री के साथ और पहला बैठक में बात हुआ था कि पानी को समस्या को लेकर, लेकिन उसके बाद जैसे ही आज सुबह होती है समरसेबल जो होता है यहाँ टंकी में जो पानी पहुँचाने के लिए मोटर लगी होती है वो जल जाती है और बार बार ये समस्या विधायक फ्लैट में हो रहा है और इसका असर दिख रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए समस्या हो रही है, इसको जल्द ही निपटा। चलिए, वो जो बयान है वो फर्स्ट बिहार पर आप देखिएगा, प्रिंस ने मंत्री जी से खास बातचीत की है और वीडियो हम दिखाएंगे। फिलहाल देखिए गाड़ियों का काफिला, मंत्री जी के घर में पानी पहुंचाने का जद्दोजहद, मोटर लगा दिए गए हैं, लेकिन मंत्री जी के अलावा बाकी घरों में क्या कुछ हालात है वो भी हम देखेंगे, तलाशेंगे, समझेंगे कि हालात किस तरीके से हैं। देखिए इस घर के बाहर बाल्टी दिख रहा है और बाल्टी के साथ कुछ पाइपें दिख रही है और यहाँ पर यह भी जो दिक्कत है हर घर के बाहर वो दिखाई पड़ रहा, समझते हैं। ये सूर्यकांत पासवान हैं, विधायक, आवास नेता, भाकपा माले विधायक दल के हैं। इनके यहाँ भी पानी की, इनके यहाँ भी सोच पता करते हैं कौन लोग हैं, क्या कुछ है यहाँ पे, क्या इनके यहाँ भी पानी की दिक्कत है या। चलिए विधायक जी की आवाज़ पर शायद कोई लोग मौजूद नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। नहीं, और कोई मंत्री जी के यहाँ से पता करते हैं विधायक जी के यहाँ और कोई लोग है कि नहीं। विधायक फ्लैट में पानी की दिक्कत, मैम पानी है घर में? पानी नहीं आ रही। कब से? सुबह 7 बजे से। तो आप लोग यहाँ पानी पहुँचाने का कोई व्यवस्था किया गया? कोई नहीं। कभी घर में बिल्कुल पानी नहीं है? नहीं है। घर से पानी नहीं निकल रहा? नहीं। आप लोग हमको क्यों ले रहे हैं फोटो? नहीं तो ये विधायक जी का आवास है इसलिए हम समझ रहे हैं। विधायक जी अभी नहीं है, गए। अच्छा विधायक जी। नहीं, सवाल ये है कि मंत्री जी के घर में तो टैंकर लगा इनके आवास में, देखिए विधायक है, विधायक आवास सूर्यकांत पासवान है और इनके घर के अंदर की तस्वीरें हम देखते हैं, समझते हैं कि बिहार में राजधानी पटना के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां बैठे हुए हैं वहां किस तरीके की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके लिए इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है कि राजधानी पटना में विधायकों को पीने के लिए पानी नहीं मिले, नहाने के लिए पानी नहीं मिले, चिलचिलाती धूप में पानी ही जरूरत है और पानी के लिए आपके मंत्री विधायक तरसते रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं और इन दावों की तस्वीर देखिए, एक और टैंकर देखिए, पानी का टैंकर की एक और गाड़ी सामने दिख रहा है। विधायकों के आवास के बाहर ये गाड़ी नहीं बल्कि आवास के बाहर ये गाड़ियों का काफिला लग रहा है। विभाग के अधिकारियों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं। पानी है घर में? कोई नल है जहाँ पे आप हमको ले चल सकते हैं? आप विधायक जी के परिवार से? जी जी। चलिए तो विधायक जी के आवास पे हम आ गए और हकीकत देखते हैं कि देखिए क्या कुछ तस्वीरें हैं। मंत्री जी के आवास पर गाड़ियों का काफिला, टैंकर पर टैंकर और ये देखिए विधायक जी के आवास पे नल खोलिए तो ये संजोग अच्छा है कि थोड़ा सा पानी गिर रहा है, पाइप वाला पानी है, बाकी जगह सप्लाई नहीं है। चलिए कितनी दिक्कत हो रही है पानी के बगैर, क्या प्रॉब्लम है, गर्मी कितना है, गर्मी की वजह से पानी अभी कितना जरूरत है आप लोग तो समझ ही रहे हैं। बिल्कुल, सुबह से पानी नहीं है, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। नहाना होना? बिल्कुल पानी है ही नहीं तो नहाएंगे कहाँ से। मैडम घर में कुछ खाना वाना बना पाई कि पानी के लिए बैठी हुई हैं? खाना तो बनाए, सुबह आया था पानी फिर बंद हो गया। सुबह आया था उसी में का कुछ पानी बचा हुआ तो जो नल से भी निकल रहा है जी, बाकी कोई काम नहीं हो पा रहा, नहीं बंद जी जी, कुछ फिल्टर में पानी था उससे हुआ पहले से। एक घर की बात है, हम आगे भी चलेंगे, हमारे सहयोगी हम कोशिश करेंगे, प्रिंस मंत्री जी के आवास से बने हुए हैं, दूसरे घरों का भी हम कोशिश करेंगे कि वो तब देखें कि तस्वीरें क्या कुछ है। देखिए पानी यहाँ पर वाटर टैंकर से सप्लाई किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो शायद उनके लिए यह करारा जवाब है कि देखिए मंत्री जी के आवास पर गाड़ियों का काफिला, टैंकर और टैंकर अधिकारी, इंजीनियर सब दिखाई पड़ रहे हैं, छत से लेकर नीचे तक हर जगह पानी पहुँचाने की कोशिश, कवायद तेज है। देखिए पानी की टंकी, मोटर से टंकी में ऊपर सप्लाई दिया जा रहा है विधायकों के आवास में, कोई पूछने वाला नहीं है। एक और सज्जन है, इनके घर चलते हैं, इनको भी देखते हैं, ये किनका आवास है यहाँ पे, किस 1505, ये भी किस विधायक का देखते हैं, नेम प्लेट तो नहीं दिख रहा, पता करते हैं कि सज्जन कोई है तो यहाँ भी बातचीत करते हैं। और संजोग से ये भी बीजेपी के ही विधायक हैं, कोई है क्या विधायक जी? चलिए कोई हलचल नहीं हो रहा है, फिलहाल गाड़ी है, गर्मी तेज, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन लोग हैं, किस तरीके की तस्वीरें हैं। आवास मनोज कुमार यादव विधायक 16 कल्याणपुर, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, इनके विधायक जी के आवास पर देखते हैं कौन लोग हैं, क्या कुछ है। चलिए मनोज कुमार जी के फ्लैट पर आ गए, यहाँ देखते हैं कौन लोग हैं। पटना में पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम,
मंत्री और विधायक के घरों में एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये तस्वीरें हैं। फिलहाल आपको हम अन्य जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाएंगे, सीधे लाइव जुड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।